मुझे माफ़ कर दो गफूर के दादा, मुझे माफ़ कर दो, निकाल करनी पड़ेगी। ये मेरे साथ ही सीन हो रहा है या उसको भी कोई चीज़ तंग कर रही है? मेरा तो दिल घबरा रहा है बहुत। अबे भाई तू जल्दी आ जा यार, ये मैं यहाँ पर सोया हुआ था, जल्दी आ, जल्दी बात करनी तेरे से, जल्दी आ जा। अबे भाई क्या हो गया, तूने इतनी इमरजेंसी में बुला लिया मुझे? यार मैं तो सारे काम कार छोड़ के तेरे पास आ गया हूँ यार। अबे भाई मुझे तो उस दिन से इतना डर लग रहा है, इतना मैं बीमार पड़ूं और ना मुझे नींद आती जिस दिन से अपन ने गफूर के साथ सीन किया। यार नींद तो मुझे भी नहीं आती, सही बात बताऊं, मैं जब से अपन ने गफूर के साथ सीन किया तो मना भी कर रहा था कि नहीं कर। बस भाई अब तो जो हो गया सो हो गया, अब चल के पहले गफूर से माफी मांगते हैं। पहले गफूर से माफी मांगते हैं फिर चलते हैं हम उनका परेशान, वहां से उसके दादा से भी माफी मांगेंगे अपन। ठीक है चल चलते। जी दादाजी बोलो तो मैं कुछ लेकर आऊँ आपके लिए, पैकिंग वैकिंग करवा दूँ? खाली मोबाइल क्या करोगे? पैकेज दादा का पैकेज करवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल तो ये बेच के खा गया था। हाँ जो तेरा दादा बोल रहा था वो तेरा दादा, इसने की थी ये सारी हरकत। हमी यार तू, तेरे जैसे दोस्त नहीं मैंने आज तक देखे, तूने मेरे साथ इतना बड़ा सीन किया यार। वो असल में पता है क्या, अभी तो पता है ये माफी क्यों मांगने आया है? अभी माफी इसलिए मांगने आया है, ये इसको नींद नहीं आ रही रात को, ये इसको इसको बीमार है, ये बोल रहा है पहले हम गफूर से माफी मांगते हैं फिर दादा से माफी मांगते हैं। जाओ जाओ फिर दादा से माफी मांगो, मैंने माफ किया तुमको। चलो दादा से माफी मांगो। हां हां मैंने माफ किया तुमको। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि दादा मेरे आसपास। ओ मेरा दादा, अबे क्या हो गया, अबे यार क्या कर रहा है तू, मरवाएगा क्या यार मुझे? देख दिल देख कितना धड़क रहा है। किसकी कॉल आ रही है यार? मेरे को तो घर से कॉल आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ। अबे यार हमको छोड़ के कहाँ जा रहा है तू? मुझे थोड़ी इमरजेंसी पड़ गई, इसी वजह से तू बस या फिर मेरे दादा से माफी मांगो, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम है यार, मुझे मेहरबानी करो ठीक है। चलो तूने मेरा मोबाइल बचा रहा, देख तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ, अभी मैं देखता हूँ ये जा कहाँ रहे वो अरे चूती ये दोनों, इनसे पहले मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर उनको बताता हूँ कैसे। यही है ना शेरी के दादा की कब्र? हाँ हाँ यही है। अस्सलामुअलैकुम या अहले कबूर। वालेकुम अस्सलाम। ये काम ही गफूर डरा रहा है हमको। हाँ ये मुझे गफूर ही लग रहा है, देखते हैं उसके पीछे है सामने। गफूर तंग कर रहा है हमें, ये गफूर है, गफूर मुझे लग रहा है। तो कोई भी नहीं, अबे जल्दी जल्दी माफ, दादाजी हमें माफ कर दो। गफूर के दादा हमें माफ कर दो। ये क्या हो, अबे ये देखो, अबे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अबे तुमने गलत किया है मेरे पोते के साथ। अबे शकूर का दादा, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, ये अपन को आज नहीं छोड़ेगा। तेरी की तूने किया है सब कुछ, ये भाई पेप्सी का डब्बा तूने भी खाया है तो मैं तुम्हें आइडिया तो तेरा था, मेरा थोड़ी था आइडिया ये। अबे हम जहाँ से जाएं, हम जा रहे हैं, नहीं नहीं जाना, तुमने जाना यहाँ पे, अब नीचे बैठ जाओ तुम लोग। दादा मैं माफ कर दूँ गफूर के दादा, तुमने बहुत गलत किया है, मैं माफ कर दो, मैं माफ कर दो गफूर के दादा, मैं माफ कर दो। आप अब तुम एक दूसरे को मारो, मैं तेरा दोस्त हूँ देख। अबे कितनी जोर, कितनी जोर, अब तुम उठक बैठक करो। दादाजी को भी उठक बैठक का पता है क्या? पता है, चल दादाजी हमें माफ कर दो, दादाजी हमें माफ कर दो, दादाजी हमें माफ कर दो, दादाजी हमसे उठक बैठक नहीं होती, मुर्गा बले बनवा लो आप। अब तुम दोनों घूमो यहाँ पर, घूमो। अबे हम क्या लट्टू हैं दादाजी, माफ कर दो मैं बस, दादाजी मैं माफ कर दूं, कहां है आपके पैरों पे हाथ लगाया, हम आपके पैरों पे हाथ लगाते। भाई पैरों पे हाथ लगा ले दादा के, कहां है दादा, दादा कहीं नहीं, दादा माफ कर दो, इधर भी नहीं, दादा चुप कर गया भागते हुए। अभी बताता हूं तुमको कैसे मजा चुकाते हैं, अभी तुमको नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे यार तेरी वजह से क्या कुछ हो रहा है, मैं यार तो बच गया, जब तुमने वहाँ से नहीं भागना था, ये जान नहीं छोड़ेगा तेरी वजह से मैं फंस गया हूँ अभी। अब मैं तुम दोनों को उल्टा लटकाऊंगा। राजी मेरी तो कोई गलती नहीं, सारा आइडिया इसका था दादाजी, मेरी गलती है ही नहीं, गलती सारी इसकी है। अब मैं तुम दोनों को यहाँ पे उल्टा लटकाता हूँ। दादाजी माफ कर दो।